मंगलवार को पूरे पंजाब भर में अकाली दल बदल वालों पंजाब सरकार खिलाफ़ पेट्रोल और डीजल दधिया कीमतों के नाल नाल जरूरतमंद परिवारों के कटे गए नीले कार्डा के विरोध में रोस प्रदर्शन किए गए सन। फगवाड़ा विखे अकाली दल बादल वालों पंजाब सरकार खिलाफ़ किए गए रोस प्रदर्शन तो बाद फगवाड़ा विखे कांग्रेस पार्टी के नेतावान वालों भी अपना स्पष्टीकरण दिता गया। हलका फगवाड़ा के विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल के गृह विखे शहरी प्रधान संजीव बुग्गा और मार्केट कमेटी फगवाड़ा के चेयरमैन नरेश भारद्वाज की अगवाई हेठ एक मीटिंग की गई। मीटिंग दौरान शहरी प्रधान संजीव बुग्गा ने मार्केट कमेटी के सबका चेयरमैन और सीनियर अकाली नेता सरमन सिंह कुलार सबका कौंसलर सतनाम सिंह अरशी के निशाने साधते हुए कहा कि जिस नेता यह नहीं पता कि नीले कार्ड किस सन में बने हैं उन्होंने होर की आस लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल कीमतों में पंजाब सरकार ने नहीं सगों केंद्र सरकार ने वादा किया है तो सेंटर सरकार जदों तेल दीमत घटाएगी तो पंजाब भी अपने आप ही तेल दीमत घट जाएगियां। दो जगह इतने फगवाड़े पता लगा धरना दिता, एक पासे सबका चेयरमैन जिहड़े सरवण सिंह कुलार जी और एक पासे यूथ के जिहड़े लीडर ने जिला प्रधान खुराना जी, उन्होंने अज धरनिया राही लोगों जिहड़ा ये दस रहा है पंजाब सरकार ने 6200 के तकरीबन कार जिहड़े कट दिते गए है, ये लोगों मतलब जिहड़े गलत भरम भुलेखे दे विच पा रहे हैं क्योंकि जिहड़े कार्ड आ सेंटर सरकार ने जिहड़े ये कार्ड 6200 जिहड़ा उन्होंने 25% कट लाया ये सेंटर सरकार ने लाया, जदों दा लोगों नू कणक जां आटा दा दिंदी है सरकार उदों तां रौला पाउंदे वी सेंटर दी स्कीम आ सेंटर दी स्कीम आ, जे सेंटर दी स्कीम आ इह तां फिर पंजाब सरकार इहदे कार्ड किद्दां कट सकदी है। सेंटर सरकार ने जिहड़े पंजाब दे विच नहीं उन्होंने पूरे इंडिया दे विच हर जगह 25% कार्ड कट्टे गए और ये सेंटर सरकार की स्कीम है, सेंटर सरकार ने कार्ड कटे है और जिहड़ी साडी अकाली दल दे जिहड़े लीडर साहिबान आ वो ये कह रहे हैं कि ये जिहड़े कार्ड आ पंजाब सरकार ने कट दिते है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं क्योंकि झूठ बोलण दा इहनां दा काम आ। दूजी गल मैं ये कहनी चाहुंदा कि जिहड़ियां पेट्रोल दीआं कीमतां ते रौला आ पेट्रोल दीआं कीमतां सेंटर सरकार ने वधाईआं, अज जिहड़ा रौला पाउंदे वी इन्ने परसेंट इत्थों घटाते इन्ने परसेंट उत्थों घटा के करता जाए ये बिल्कुल झूठ बोलदे आ। और मैं एक छोटी जी गल कहनी चाहना भी साढ़े नाल देश श्रीलंका श्रीलंका इंडिया के तो जोड़ा साडा तेल लेंदा और उत्थे भा जो इंडिया के हिसाब ना 51 रुपये है जबकि साढ़े जोड़ा असी बेचने उन्होंने तेल साढ़े भा 80 रुपये 85 रुपये के तकरीबन इन जे साडे कलार साहब आ इन्हों सर्कल जोड़े साडा सर्कल आना अंडर है और इन्हां दे प्रधान एक गल कह रहे हैं कि पंजाब सरकार और सेंटर सरकार दोनों लोटू सरकार ने, जे उन्होंने पहला मैं यही गल पुछनी चाहना कि जे सेंटर सरकार लोटू आ तो फिर उहदे खिलाफ इन्होंने धरना अजे दिता सी पहला क्योंकि पहला अखबारों च भी आया जिहड़ा असी यह धरना पेट्रोल दीआं कीमतां वाधे ते कीता ते असी सेंटर सरकार दे खिलाफ असी यह धरना देना, जबकि अज जो इन्होंने धरना दिते तो इन्होंने उहदी रूपरेखा थोड़ी चेंज करके इन्होंने पंजाब सरकार नूं विच लपेटण की कोशिश की है। जिहड़े तेल दे भाअ आ उह सेंटर सरकार वधा रही है, कच्चे तेल का भाअ अज भी मेरे ख्याल 34-35 रुपये के नीयर अबाउट होना तो जबकि साढ़े तुम देख लो 80-85 रुपये तेल का भाअ हो चुका जो सरदार मनमोहन सिंह की UPA सरकार सी 134 रुपये तक भाअ चला गया सगा कच्चे तेल का, तो उदों भी जिहड़ा साडा जिहड़ा इत्थे दा 65-60 रुपये 55 रुपये जिहड़ा तेल का भाअ सगा, तो उत्थों साफ पता लगता भी जिहड़ी क्योंकि जदों दे सेंटर दे विच मोदी सरकार बनी है लोगों के माड़े दिन शुरू हो गए हैं कमांकारां दी बस हो चुकी है। उधर मार्केट कमेटी फगवाड़ा के चेयरमैन नरेश भारद्वाज ने अकाली नेतावां वालों जो दोष लगाए गए हैं कि विधायक वालों अपना दफ्तर घर में खोलिया गया है तो स्पष्टीकरण देंदिया कहा कि अकाली नेता खुद दस देन कि किस विधायक ने अपना दफ्तर घर नहीं खोलिया। उन्होंने कहा कि जेकर विधायक अपना दफ्तर घर में खोलणगे तो ही वह 24 घंटे लोगों की सेवा करनगे। देखो जिहड़ा ये धरना लाया ये धरना अज तो पहलो अखबारों के तो रोज ये आ रहा है अकाली दल जिहड़ा आ वो सेंटर के खिलाफ धरना ला रहा, पर अज जो इन्होंने धरना लाने तो बाद पंजाब सरकार के जिहड़े पेट्रोल के लाए हुए या डीजल के लाए हुए टैक्स नूं लैके पंजाब सरकार नूं विच लपेटण की कोशिश की है वह सरासर गलत है क्योंकि बच्चे बच्चे नूं पता है जदों भी पेट्रोल या डीजल के रेट वधदे आ वो सेंटर सरकार बताउंदी सेंटर सरकार घटाउंदी आ उस च पंजाब सरकार का कोई रोल नहीं हुंदा। जिहड़ा पंजाब सरकार दे टैक्स की गल करदे आ
हिंदुस्तान दी जिन्या भी स्टेटा है सारी जगह पेट्रोल के रेट ज्यादा है। जे जे अकाली दल के लीडर बड़े बड़े डींगा मारते कहते हैं भी जी पहलो इन्ने घटा इन्ने घटा तो असी जाके उ फिर सेंटर को घटावे। इन्हों की भाईवाल अकाली दल हैगी बीजेपी बीजेपी जो इस वे सेंटर की सरकार है ये पहलों उत्थों क्यों नहीं रिलीफ दवाते पहलों अपने घर तो रिलीफ दवा के फिर दूजे को कहा जाता भी मैं रिलीफ देती है तुम भी दो तो सो मेरी इन्हों बेनती है भी पहलों जाके अपने पीएम साहब न कह भी कृपा करो जनता से कृपा करो फिर पंजाब सरकार कह भी उन्होंने करता तुम भी करो। बड़े अफसोस की गल है मैनू समझ नहीं आती बी ये जेडे अकाली लीडर बहां कट कट कहते बी एम एल ए साहब के घर दफ्तर आ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਐਮ ਐਲ ਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦਫ਼ਤਰ? ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਪੀ ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੁਆਇੰਟਲੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਆਪ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਆ। ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।